ये तो ये काम हो गया, हम प्यार भी कर दो बलात्कार, ये बलात्कार भी कर दो प्यार किया, ये खाना भी खावा है हम, अगर मिल ही लिए हमारे नेता बीजेपी की प्योर बीटी है। पूर्व मुख्यमंत्री जी 10 साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और 10 साल में उसने जो कार्य किया जाति विशेष और क्षेत्रवाद के लिए काम किया, और आज जिन लोगों के लिए किरण चौधरी और कैप्टन जी यादव जी ने जो मुख्यमंत्री जो खट्टर को ईमानदार बताया उसके लिए वो इतना, उसके जो पूर्व विधायक हैं सारे जो मौजूदा विधायक हैं और जो पूर्व विधायक हैं उत्तरी दक्षिण के, वो इस बात को कहते हैं कि ये दोनों नेता बीजेपी से मिले हैं। मैं बात करना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भतीजे की शादी हुई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया और उसके बाद अपना आबे चौटाला और हुड्डा साहब और खट्टर साहब के साथ ये इतनी खुशी से खाना खा रहा है, और ये उसके बाद फोटो है, इस बात का सबूत है कि इससे ज़्यादा खुश भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद हमने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। वो तो खट्टर के साथ इतना खुश है। मैं कहता हूँ कि किरण चौधरी ने जो बयान दिया था उसने सिर्फ बीजेपी पर वार किया, उसने कहा भी एक ईमानदार आदमी तो है, सरकार बिल्कुल फैल है, उसने दोनों पे निशाना साधा। और जो कैप्टन जी यादव जी जो खट्टर से मिले वो व्यक्तिगत मिले हैं, उससे कोई बड़ी बात नहीं है। और जो 5 ये विधायक हैं, 6 विधायक जिनने अपना कॉन्फ्रेंस करके कहा भी हमने एक मीटिंग की और कैप्टन के खिलाफ कहा भी ये कांग्रेस को कमज़ोर कर रहा है, तो उसमें राव दान सिंह, धर्मपाल, नरेंद्र, वो लोग लोकेशन बताएं, उन्हें सिर्फ कॉन्फ्रेंस नहीं की ना कोई मीटिंग की, सिर्फ घर से कॉन्फ्रेंस का एक कागज लिया, उस पर नाम लिखे और भेज दी। हम ये कहते हैं अगर कैप्टन साहब का विरोध करना है तो सीधा वाइट करें, अपना टीवी पे आए वो बताएंगे। और हम सबसे ज़्यादा बातें करना चाहता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का राज है, मैं उसका पूर्व मीडिया सलाहकार भी रहा हूँ। सबसे पहले सुंदरपाल 10 साल का मीडिया सलाहकार रहा, उसने पार्टी छोड़ी, हमने छोड़ी, बिट्टू चावला उसका मीडिया कोऑर्डिनेटर था, उससे दुखी होकर पार्टी छोड़ी, वो जातिवाद की बात करता था और उत्तरी हरियाणा की बात को करता था। हमें इस बात को मुख्यमंत्री से कहा था, हरियाणा में सिर्फ 15 सीट आएंगी और 15 ही सीट आई। हम ये कहना चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीधा, वो इन विधायकों से बयान ना दुआ के खुद बयान क्यों नहीं देता। जो बात राज्यसभा के मेंबर की बात है, सोनिया गांधी ने पूरा आदेश दिया, 17 विधायक में 3 वोट आई, अपनी वोट को खाली छोड़ दिया। भूपेंद्र हुड्डा का जो पूर्व विधायक और विधायक है मौजूदा, वो बीजेपी की बी टीम है, ये किसी से छुपी नहीं है। वो उसके पारिवारिक संबंध भी है खट्टर से, एक जिले के लोग हैं, एक सिस्टम उन लोगों का, और अपने जो एक इंक्वायरी चल रही है उसके बचने के लिए, उस दिशा को मोड़ने के लिए, कभी किरण चौधरी को कहता है कि बीजेपी में मिलेगा, कभी कैप्टन अजय यादव को कहता है। अगर कांग्रेस को कमजोर किया है बीजेपी से मिलकर, सबसे पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह को पार्टी से हटा, जो राजीव गांधी का भगत था, उसने पार्टी छोड़नी पड़ी मजबूर हो गए, और धर्मवीर ने पार्टी छोड़नी पड़ी मजबूर हो गए, और बढ़ाना ने पार्टी मजबूर छोड़ी, करनाल से विधायक अरविंद शर्मा ने पार्टी छोड़ी, हजारों तो नेताओं ने पार्टी छोड़ी और लाखों की संख्या में कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़ कर गए। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्य प्रणाली में बड़ा भारी अंतर है, वो सिर्फ अपने आप को चाहता है, अपने गोत को चाहता है, अपनी जात को चाहता है, अपने एरिया को चाहता है, चाहे उसका उसके एरिया से बाहर, चाहे वो कोई भी। इस फूट से आने वाले कांग्रेस को चुनावों में नुकसान नहीं होगा? जो बड़ा भारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीति है, वो चाहते हैं कि कांग्रेस बहुत कमजोर हो और वो सिर्फ थोड़ी सीटें आए और मैं चीफ मिनिस्टर बने रहूं। फिर पार्टी छोड़ भी सकता है, अपनी पार्टी बना सकता है? हाँ, पार्टी का तो सब लोगों ने पता है, उसने पार्टी तो चैलेंज पहले हाईकमान को कर दिया, उसने नेहरू खानदान, इंदिरा खानदान की जो टोपी हमारा झंडा है उसका रंग ही बदल दिया, तो गुलाबी रंग कर दिया। ये तो चैलेंज है हाईकमान को, इस बात को सोचना चाहिए था। जो आदमी का झंडा कार पाए, झंडा गुलाबी लगा के लेता है और टोपी ओढ़ता है, तो इसका मतलब पार्टी उसने छोड़ रखी, झंडा छोड़ दिया, पार्टी छोड़ देगा। और सबसे बड़ी बात, गुलाबी और लाल का रोला चला है, लाल और गुलाबी, गुलाबी बात में आई मजबूर की, गुलाबी तवर ने लाल कर दिया, नहीं तवर का लाल का रोला नहीं है, सिर्फ गुलाबी को दिखाने के लिए। वो तो एक वो है भाई, हम भी ये कर सकते हैं,
बगरू अध्यक्ष है बीसीसी का, उसको और किरण चौधरी कैप्टन अजय यादव के आने से कांग्रेस की वापसी हुई है, कांग्रेस में लोग वापिस आए हैं, जुड़ने लग रहे हैं। और उसके बाद कप नहीं रही, सबसे बड़ी बात एक है, खुद विधायक जीता, बिट्टा एमपी बना और सिम देवी एमपी एमएलए बन गया। तो भाई ये हमारे उत्तरी हरियाणा में क्या बात हुई है, ना तो हमें रोजगार मिला, ना कोई हमें तनख्वाह मिली, ना कोई किसी चीज़ का हमें कोई नौकरी का बड़ा अफसर बने हमारा, एक भी को था। और उसके गांव से ये को रिकॉर्ड है, उसके एक एक गांव से चार चार डीएसपी हैं जिनके नाम हैं, चार डीएसपी हैं जो थरदार से डीएसपी एसपी रिटायर हुए, एक गांव से सांगी से चार, जगत सिंह हुड्डा, किरसन हुड्डा, पार्टी का ये हाईकमान का फैसला है, हम नहीं कह सकते, मगर ये फैसला हाईकमान का। आप क्या कहना चाहते, आप क्या चाहते हैं, हम ये क्या चाहते हैं कि हाईकमान को इसको बड़ा अपने संज्ञान में लानी चाहिए और हुड्डा को सख्त करना चाहिए, 10 साल को उसको मौका दिया है पार्टी को, और वो अगर आज तवर है उसके नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए, किरण चौधरी सीएलपी लीडर उसको नेता मानना चाहिए, अगर वो इन लोगों के खिलाफ खुद बयान क्यों देता, वोट उसने अपनी देनी। और कांग्रेस जो ये कह रही है कि वोट नहीं है, सिर्फ कांग्रेस हाई कमान की छवि को बचाने के लिए कह रही है, ये जानबूझ के हराया है, और ये चौटाला से भी भूलिया है और बीजेपी से किताब में इसका